असलम स्टूडेंट आई एम तनवीर यूट्यूब चैनल फर्स्ट एयर की बुक कंप्यूटर साइंस और चैप्टर नंबर टू है और आज का टॉपिक है लोकल एरिया नेटवर्क तो स्टूडेंट क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क इज कलेक्शन ऑफ डिज कनेक्टेड टुगेदर इन वन फिजिकल लोकेशन कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि ये डिवाइसेस होती हैं जिनको हम आपस में इकट्ठा जोड़ देते हैं किसी भी एक फ़िज़िकल लोकेशन में और वो फिज़िकल लोकेशन क्या हो सकती है सच अ बिल्डिंग ऑफिस और होम यानी कि आप अपने ऑफिस में या अपने घर में या किसी एक बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ तरह के कंप्यूटर को आपस में जोड़ कर जो नेटवर्क बनाते हैं उस नेटवर्क को क्या कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क और सिंपल लैन कहते हैं अ लैन कैन भी स्माल और अ लार्ज लैन कैन लैन के बारे में कहते हैं कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये स्माल हो सकता है जैसे कि आपके घर में दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जोड़ लेते हैं और लार्ज हो सकता है किसी एक बिल्डिंग में बिल्डिंग में किसी एक इंस्टीट्यूशन का पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है जैसे यहाँ पे बता रहा है ये जो नेटवर्क है आपका अपने घर से होम नेटवर्क से लेकर एक इंटरप्राइज के नेटवर्क से जिसमें थाउजेंड ऑफ यूजर्स और डिवाइसेस जो होती हैं, वो जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि किसी ऑफिस या किसी स्कूल में तो स्टूडेंट जो लोकल एरिया नेटवर्क है यानी कि जब हम मुख्तलिफ तरह के कंप्यूटर डिवाइस को आपस में किसी एक फिजिकल लोकेशन पर कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है लोकल एरिया नेटवर्क बन जाता है अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी स्पीड की क्या होती है लोकल एरिया नेटवर्क एंड ट्रांसमिट डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड ये बहुत तेज़ स्पीड में डेटा को सेंड और रिसीव कर सकता है डेटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क आर टिपिकली फ्रॉम टेन एमबी पर सेकंड टू वन थाउजेंड एम पर सेकंड कि इसकी जो स्पीड होती है ये दस मेगाबाइट से वन थाउजेंड मेगाबाइट पर सेकंड होती है यानी कि आप एक सेकंड में दस एमबी डेटा से लेकर वन थाउजेंड एम बी जो है वो सेंड एंड रेव कर सकते हैं इट इज मच फास्टर देन ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन यानी कि जो टेलीफोन लाइन के ऊपर ट्रांसमिशन हो रही होती है उससे कहीं ज्यादा तेज होता है लोकल एरिया नेटवर्क कैन बी ट्रांसमिट डाटा इन लिमिटेड डिस्टेंस यहां पर इसका डिसएडवांटेज आप कह लें स्टूडेंट के जो लोकल एरिया नेटवर्क में डाटा है उसकी डाटा सेंडिंग की जो रेंज है वो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक होती है बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक हम लोकल एरिया नेटवर्क में जो है वो डाटा सेंड एंड रिसीव नहीं कर सकते एडवांटेजेस क्या होते हैं वन कॉपी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर कैन बी यूज बाय ऑल यूज़र इन लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि अगर आपने एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया और उसमें आपने कोई एक सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज़ किया है बजाय इसके कि आप उसकी अलग अलग कॉपी परचेज करें और अलग अलग डिवाइसिस पे उसे इंस्टॉल करें लोकल एरिया नेटवर्क में हम क्या करते हैं उन सभी को जो है आपस में वही एक सॉफ्टवेयर जो है वो शेयर कर देते हैं सिस्टम रिसोर्स लाइक प्रिंटर एंड हार्ड डिस्क कैन भी शेयर बिटवीन यूजर्स इन लोकल एरिया नेटवर्क के जो लोकल एरिया नेटवर्क के यूज़र हैं उनके दरमियान आप हार्ड डिस्क और प्रिंटर और इस तरह के दीगर जो रिसोर्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं इट इज़ ईजी टू मैनेज द डाटा स्टोर ऑन सेंट्रलाइज कंप्यूटर इन लोकल एरिया नेटवर्क हम ये भी कर सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर को सेंट्रल central, सेंट्रलाइज कर देते हैं उसको सेंटर एज अ मेन कंप्यूटर बना देते हैं और उसके ऊपर जो है वो डाटा को स्टोर कर देते हैं और दूसरे जो कंप्यूटर होते हैं जो नोट कंप्यूटर होते हैं वो सेंट्रल कंप्यूटर कम्प्यूटर से डाटा जो है वो ले सकते हैं डाटा कैन बी शेयड बाई ऑल यूज़र यूजिंग लोकल एरिया नेटवर्क और ये भी हम कर सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए जो तमाम लोकल एरिया नेटवर्क के जो यूजर हैं उन तक डाटा को शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर में बल्कि ये सारा चैप्टर जो चैप्टर नंबर टू था हमने नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से पार्ट्स हैं वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिनको हम आपस में कंबाइन करते हैं और, और एक नेटवर्क बनता है तो वो कंपोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन मीडिया एनआईसी और ब्रिज राउटर और गेटवे। स्टूडेंट ब्रिज राउटर और गेटवे के बारे में हमने एक प्रीवियस लेक्चर में ये सारा डिटेल में पढ़ लिया था तो इस लेक्चर में जो है आज के टॉपिक में हम कम्युनिकेशन मीडिया और एनआईसी के बारे में पढ़ते हैं कम्युनिकेशन मीडिया कम्युनिकेशन मीडिया रेफर टू दी मीन्स ऑफ डिलीवरिंग एंड रिसीविंग डाटा और इंफॉर्मेशन यानी कि जो डाटे को सेंड करना और इंफॉर्मेशन और को सेंड करना या रिसीव करना इसके लिए जो मीन जो ज़रिया जो रास्ता इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं इन टेली कम्युनिकेशन दिज आर ट्रांसमिशन एंड अ स्टोरेज टूल्स और अ चैनल फॉर डेटा स्टोरेज एंड अ ट्रांसमिशन यानी कि अगर हम बात करते हैं टेली कम्युनिकेशन की तो इसमें जो मींस हैं वो क्या आते हैं ट्रांसमिशन और स्टोरेज टूल जिससे कि ऐसे टूल जहाँ पर हम डाटे को स्टोर किया हुआ है और चैनल फॉर डाटा स्टोरेज या डाटे को स्टोर करने के लिए कोई चैनल आ सकते हैं कोई रास्ता आ सकता है एंड ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन आ सकते हैं यानी कि वो तमाम तरीका का, वो तमाम रास्ते जिनके ज़रिए हम डेटा और इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करते हैं उनको क्या कहते हैं कम्युनिकेशन मीडिया तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल बता रहा है कि जो टेली कम्युनिकेशन मीडिया है उसमें ट्रांसमिशन जो है वो क्या है एज़ आ कम्युनिकेशन मीडिया है इसी तरीके से स्टोरेज टूल्स और चैनल फॉर डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन और इसमें कुछ स्टोरेज टूल और चैनल इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम डेटे को स्टोर कर सकें और उसको ट्रांसमिट कर सकें एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें डिफरेंट मीडियाज आर एम्प्लॉयड फॉर ट्रांसमिट ट्रांसमिटिंग डाटा फ्राम वन कम्प्यूटर टर्मिनल टू एन सेंट्रल कम्प्यूटर और टू टू अदर कम्प्यूटर सिस्टम इन साइड सम काइंड ऑफ ए नेटवर्क यानी कि मुख्तलिफ तरह के जो मीडिया होते हैं जो डेटे को एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर तक सेंड करने के लिए या किसी किसी भी नेटवर्क के अंदर जो है वो डेटे को सेंड और सेव करने के, के लिए मुख्तलिफ तरह के मीडिया जो है वो इस्तेमाल होते हैं देर आर टू फॉर्म ऑफ ए कम्युनिकेशन मीडिया एनालॉग और डिजिटल एनालॉग इन इंक्लूड कन्वेंशनल रेडियो जैसे हमारा एक रवायती रेडियो होता है वो एनालॉग जो है वो कम्युनिकेशन मीडिया है टेलीफोनिक एंड टेलीविज़न ट्रांसमिशन ये भी क्या है स्टूडेंट ये एक एनालॉग कम्युनिकेशन मीडिया है अगर हम बात करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन मीडिया में तो कम्प्यूटर जो है मेडिट कम्युनिकेसन आ जाता है और कम्प्यूटर नेटवर्किंग एंड टोपालोजी जो है टेलीग्राफी आ जाता है तो ये डिजिटल कम्युनिकेशन मीडिया है मोस्ट कॉमनली डेटा कम्युनिकेशन मीडिया इंक्लूड वायर पेयर आ सकती है क्वेक्सल केबल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन सेटेलाइट और फाइबर ऑप्टिक ये कुछ फेमस जो है कम्युनिकेशन मीडिया है स्टेंट आज के दौर में जो सबसे फास्ट कम्युनिकेशन मीडिया कंसीडर किया जाता है वो कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट आ जाती है और फाइबर ऑप्टिक्स भी इस्तेमाल होती है उसके बाद आता है स्ट्रेंड एन क्या होता है एनआईसी स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और एन आई सी यानी कि एन को हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कह देते हैं या सिंपल एन कह देते हैं बेसिक होता है ये क्या है इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क यानी कि एन बेसिक एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जिसके बगैर कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता इट इज़ अ सर्किट बोर्ड इंस्टॉल इन अ कंप्यूटर डेट डेडिकेटेड नेटवर्क कनेक्शन टू दी कम्प्यूटर ये एक जो एन होता है ये एक सर्किट बोर्ड होता है यानी कि इसके ऊपर जैसे कुछ सर्किट होता है इस तरह का एक बोर्ड बना होता है और ये कंप्यूटर के बोर्ड के ऊपर मदर बोर्ड के ऊपर इंस्टॉल होता है और इसके ज़रिए जो है ये हम क्या करते हैं नेटवर्क में एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे कम्प्यूटर के साथ कनेक्ट होता है इट इज़ आल्सो कार्ड नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर नेटवर्क अडोप्टर और लोकल एरिया अडोप्टर ये इसके अलग अलग तरह के नाम है पहला जो इसका नाम है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर आ जाता है दूसरा नेम है इसका जो है नेटवर्क अडॉप्टर और इसका थर्ड नेम जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क आता है स्टूडेंट जो ओल्ड टाइप के कंप्यूटर थे उनमें ये अलग से जो है वो सर्किट बोर्ड बाजार से लेना पड़ता था लोकल एरिया नेटवर्क जो था एन कार्ड जो है वो लेना पड़ता था लेकिन जो आज के जदीद कंप्यूटर आ रहे हैं इनमें ऑलरेडी बिल्ट बिल्टी इंस्टॉल होता है ये स्टूडेंट वही पोर्ट होती है जिसके ऊपर आप अपने घर के अंदर जब नेटवर्क का कनेक्शन करते हैं तो वहाँ से एक जो घर में आप राउटर लगाते हैं उसकी वायर को आप कंप्यूटर के जिस पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं वो एन कनेक्शन या एन पोर्ट होती है इसका पर्पस क्या होता है एन आई सी अलाउ बहुत एंड वायरलेस वायर कम्युनिकेशन यानी कि एन कार्ड के ऊपर डिपेंड होता है कि वो वायर कार्ड है या वायरलेस कार्ड है तो ये बेसिक कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं एन आई सी अलाउ कम्युनिकेट बिटवीन कंप्यूटर कनेक्टेड बाय लोकल एरिया नेटवर्क एज़ वेल एज कम्युनिकेशन ओवर लार्ज स्केल नेटवर्क थ्रू आ इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि अगर हम अपना लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें किसी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें एन आई सी कार्ड की ज़रूरत होती है और अगर हम अपने जो है वो लार्ज कंप्यूटर को एक लार्ज स्केल नेटवर्क के साथ अटैच करना चाहते हैं जैसे कि इंटरनेट होता है और उसके लिए भी जो है वो एन कार्ड की ज़रूरत होती है एन इज़ बोथ फिज़िकल लेयर एंड अ डाटा लिंक लेयर डिवाइस एन में बेसिक दो तरह की लेयर होती हैं फिजिकल लेयर होती है और डाटा लिंक लेयर होती है इनके बारे में स्टूडेंट आपने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है इट प्रोवाइड द नेसेसरी हार्डवेयर सर्कट रीट सो डैट दी फिज़िकल लेर प्रोसेस एंड सम डाटा लिंक लेर प्रोसेस कैन रन ऑन इट यानी कि इसमें क्या होता है कि ये एक ज़रूरी हमारे पास हार्डवेयर होता है जिसके ज़रिए पहले जो है वो फ़िज़िकल लेयर प्रोसेस करती है और इसके साथ जो है फिर लिंक लेयर जो है वो प्रोसेस करती है और हमारा जो है वो एन एस सी कार्ड के जरिए कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाती है उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म अ वाइड एरिया नेटवर्क इज कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क और द अदर नेटवर्क डेट कम्युनिकेट विद वन एंड अदर कि अगर हम सिंपल इसकी फॉर्म देखें वाइड एरिया नेटवर्क की तो वो क्या होता है कलेक्शन ऑफ ए लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि मुख्तलि तरह के लोकल एरिया नेटवर्क हैं दो तीन चार नेटवर्क हैं जब ये लोकल एरिया नेटवर्क को हम आपस में कंबाइन कर देते हैं ठीक है तो उससे जो एक नया नेटवर्क बनता है हम उसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं अ वैन इज अ नेटवर्क ऑफ ए नेटवर्क यानी कि कह रहे हैं कि जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है अगर हम बेसिकली इसको कहें तो ये नेटवर्क्स का एक नेटवर्क्स होता है यानी कि मुख्तलि तरह के नेटवर्क्स का एक बना हुआ नेटवर्क्स होता है विद इंटरनेट दर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि जो हमारे पास इंटरनेट है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्या होता है कि ये एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है दी ट्रांसमिशन रेट ऑफ ऑफ वन इज टिपिकली फ्राम फिफ्टी सिक्स किलो बैट पर सेकेंड टू फिफ्टी एम पी पर सेकेंड वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर जो स्पीड होती है वो फिफ्टी सिक्स किलोबाइट से फिफ्टी मेगाबाइट पर सेकेंड तक होती है लेकिन uh, इन दिनों में जो है स्पीड इससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है जैसे जो है ये फाइव जी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है वैन इज़ एक्सपेंसिव दैन लोकल एरिया नेटवर्क कि वैन जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क से क्या होता है लैंथ से कॉस्टली होता है इट डज़ नॉट फास्ट एज लोकल एरिया नेटवर्क और ये उतना फास्ट भी नहीं होता जितना कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है जैसे कि प्रीवियस हमने देखा था कि लोकल एरिया नेटवर्क की जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो वन थाउजेंड मेगा वाइट पर सेकेंड होती है और यहाँ पर जो है ये फिफ्टीन मेगा वाइट पर सेकेंड है द इंटरनेट इज दार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क इन दर्ल्ड अगर हम वाइड एरिया की एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जो इंटरनेट है यह वाइड एरिया की बेस्ट एग्जाम्पल है क्योंकि ये एक ए, सबसे बड़ा जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क है ये वाइड एरिया नेटवर्क इज टिपिकली ओन बाई एक्सटर्नल कंपनी लाइक एंड इंटरनेट प्रोवाइडर टेलीफोन कंपनी और केबल कैरियर के वाइड एरिया नेटवर्क के जो जो वाइड एरिया नेटवर्क के ऑन होते हैं यानी कि जो वो कंपनी जो वाइड एरिया नेटवर्क को चला रही होती हैं उनमें क्या जाता है इंटरनेट प्रोवाइडर होती हैं टेलीफोन कंपनीज़ होती हैं और केबल कैरियर होती हैं यानी कि केबल कंपनीज़ होती हैं द बिज़नेस यूजिंग वाइड एरिया नेटवर्क पे या सर्विस फी यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं कुछ सर्विस फ़ी जो है वो पे करते हैं सच एज ऐ इंटरनेट और केबल कनेक्शन रेट्स जैसे कि हम इंटरनेट की फ़ी पैकेजेस की फी या केबल कनेक्शन लगवा लेते हैं तो उसकी फ़ी जो है वो होती है डाटा ट्रेवल फ्राम लोकल एरिया नेटवर्क थ्रू अ राउटर टू कनेक्ट टू द एक्सटर्नल नेटवर्क यानी कि जो डाटा है लोकल एरिया नेटवर्क से जो है वो दूसरे किसी बाहर के नेटवर्क के साथ जो कनेक्ट होता है वो राउटर के जरिए होता है राउटर के बारे में स्टूडेंट प्रीवियस एक लेक्चर में डिटेल से बताया हुआ है इट इज द द राउटर लोकल एरिया नेटवर्क टू द इंटरनेट यानी कि या राउटर ही एक ऐसी डिवाइस होती है जो लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करती है जैसा कि इंटरनेट मैनी राउटर नाउ आर वायरलेस बट मैनी स्टिल हैव केबल पोर्ट्स कि अब जो राउटर हैं ये हमें वायरलेस भी मिल रहे हैं और केबल पोर्ट्स वाले भी मिल रहे हैं विच कैन कनेक्ट टू लोकल डिवाइस टू द टू दी बिल्डिंग द इंटरनेट कनेक्शन जो लोकल डिवाइस को जो है वो बिल्डिंग की इंटरनेट कनेक्शन के साथ अटैच करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डिफरेंस देखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क का क्या होता है और वाइड एरिया नेटवर्क में डिफरेंस क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जो है अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़